दोस्तों 21 जून को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5000 सालों से योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। देखिए, योग सिर्फ आपके शरीर के रोगों को दूर ही नहीं करता है, बल्कि आपके मन की शांति को भी स्थिर बनाए रखता है या मन को शांति प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहल से ही हुई थी। 27 सितंबर 2014 को उन्होंने यूनाइटेड नेशन की एक सभा में कहा था कि हम सभी को एक साथ योग करना चाहिए। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद से ही योग दिवस अस्तित्व में आया था, उसके बाद से ही योग दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने के पीछे एक रीजन भी था, क्योंकि इस दिन जो दिन होता है वो सबसे लंबा होता है और ये बताता है कि मनुष्य के दीर्घकालीन युग को भी दिखाता है। और इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो बहुत जल्दी निकलता है और बहुत देर से ढलता भी है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो सूर्य का प्रभाव होता है या सूर्य की रोशनी का जो प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत ये सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए 21 जून का दिन तय किया गया था। देखिए, इसके अलग अलग भी रीजन है और पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और भी रीजन बताए गए हैं, क्योंकि 21 जून को वैसे हम जनरली भी जानते हैं कि साल का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। तो 21 जून सेलेक्ट करने के पीछे ये भी रीजन था कि दिन बहुत लंबा होता है, सूर्य बहुत पहले निकलता है और बहुत देर से ढलता भी है, और इस दिन जो सूरज की किरणें निकलती हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए 21 जून को सेलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं कि भाई भारत के रिकॉर्ड क्या हैं। देखिए, भारत जब 2015 में 21 जून 2015 को जो सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो उस दिन इंडिया ने दो रिकॉर्ड भी कायम किए थे। पहला रिकॉर्ड क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 35,985 लोगों के साथ मिलकर एक जगह योगा किया था, पहला रिकॉर्ड ये था। दूसरा रिकॉर्ड ये था कि इस समारोह में ये जो फंक्शन हुआ था सेलिब्रेशन का, इसमें 84 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 21 जून 2015 को मनाया गया था, इसमें इंडिया ने दो रिकॉर्ड कायम किए थे। पहला रिकॉर्ड क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35,985 लोगों के साथ एक साथ योगा किया था और 84 देशों के लोगों ने इसके साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। तो बात करते हैं कि एक बार मैं समराइज कर देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, योग करने से शरीर को बहुत फ़ायदे भी होते हैं, हम रोगों से लड़ भी सकते हैं और शरीर को मन को बहुत शांति भी प्रदान करता है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल थी जो 27 सितंबर 2014 को उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि हमको एक साथ योग करना चाहिए था। उसके 90 दिनों के बाद यूनाइटेड नेशन ने इस प्रस्ताव को पारित किया, उसके बाद से हमारा योग दिवस मनाया जाने लगा। सबसे पहला जो योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस तरह से अब ये कंटिन्यूस एवरी ईयर ये इंडिया में मनाया जाता है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इंडिया में जनरली सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स भी इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और योग को बढ़ावा देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।